हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मैं बना के लेके आई हूँ रोटियाँ, खाऊंगी। आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम लग जाएगा शॉप पर, और इसलिए 10:15 हो गए हैं, उनका वेट कर रही थी पर वो अब तक आए नहीं। वो बोले कि 1 घंटा और लग सकता है, तो फिर मैंने इसीलिए अपनी रोटियाँ बना ली और मैं खा रही हूँ। आइए, आप भी खा लीजिए मेरे साथ। ये है चने की सब्ज़ी, चाय, रोटी, खा लीजिए आप सब भी। तो गाइस, खाना खा लिया मैंने और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बर्तन साफ करने के लिए। ये देखिए, मेरे सिंक में भी बर्तन पड़े हैं। सिंक साफ, बर्तन साफ कर देती हूँ और फिर करती हूँ उनकी वेट। वो अब तक आए नहीं हैं शॉप से। वैसे उनका खाना वगैरह बनाने के बाद ही मेरी किचन साफ होएगी, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। जो थोड़े बहुत बर्तन है वो कर देती हूँ साफ। फिर उसके बाद मैंने आज अपने सर्दियों के कपड़े सुखाए हुए हैं बाहर, और सुबह निकाल दिए थे मैंने 8 बजे धूप में। अब धूप अच्छी खासी उनको लग चुकी है, किचन साफ करके उनका खाना वगैरह बना के उसके बाद मैं वापस से फिर अपने कपड़े रख दूँगी, क्योंकि इस टाइम धूप बहुत अच्छी निकलती है। आगे दिन छोटे होते जा रहे हैं तो धूप भी थोड़ी कम होती जाएगी। तो अब जो कपड़े वगैरह सुखाने का काम है मैं अभी कर दूँगी वो। और वैसे हमारे घर की सारी सफाई हो चुकी है, सिर्फ मेरी ये किचन रह गई है, किचन साफ करने रह गई। ये मैं दिवाली से पहले कर दूँगी और बाकी घर की मेरी सारी सफाई हो चुकी है। तो चलिए गाइस, करती हूँ मैं बर्तन साफ। तो गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए, खाना खा लिया और खाना खा के वो सो गए, क्योंकि आज आए थे लेट और दुकान पे था थोड़ा काम। मेरी किचन हो गई क्लीन और अब जो मैंने बाहर कपड़े सुखाए हैं वो दिखाती हूँ आपको। वो उठा के अब रखूँगी, 12 बज चुके हैं। हाँ, सारे कपड़े अच्छे से झड़का के, जो भी उसमें धूल वगैरह हो गई या कीड़े वगैरह हो जाते हैं कपड़ों में, हर साल सुखा देते हैं हम धूप में, और अच्छे से झड़का के दोबारा से अच्छे इनकी तहक लगा के फिर मैं रख देती हूँ। सर्दियाँ तो आने वाली हैं और 1-2 महीने बाद तो फिर यूज़ होएंगे वो कपड़े। और मेरी किचन हो गई है क्लीन, ये मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ, और ये मेरा गैस भी हो चुका है क्लीन। अब चलते हैं बाहर। ये सारे मेरे कपड़े हैं सर्दियों के ये वाले इस मंजे पे और इस रैक पे, ये सारे मेरे कपड़े हैं सर्दियों के। अब ये कपड़े उठा के रखने हैं, धूप भी बहुत तेज है। इस साइड छांव में करके सारे कपड़े फटाफट उठा के अंदर रख देती हूँ और सेट कर देती हूँ। और जो बच्चों के सर्दियों के कपड़े हैं वो तो मैं पिछले साल मैंने उनको धूप वगैरह लगवाई थी, अच्छे सेट कर दिए थे। इस साल मैं नहीं सुखाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक रखे हैं। मैंने पिछले साल मैंने मेरे कपड़े नहीं सुखाए थे तो उनको मैंने धूप लगवा दी। तो चलिए गाइस, करते हैं काम ख़त्म। तो देखिए, बाहर से सारे कपड़े उठा के अच्छे से झड़का के सारे, और मैंने यहाँ ला के रख दिए। और सारे कपड़े मैं इस मंजे के ऊपर ही सेट करूँगी। अभी मैं अंदर उठा लाई, मतलब इसके ऊपर रखूँगी फिर सेट करके। ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में सारे कपड़े रखूँगी मैं। ये मैंने कॉटन की चुन्नी बिछाई हुई है इधर, और इस पे मैं सारे कपड़े अच्छे से तय लगा के करती हूँ सेट। ये देखिए,
तो फाइनली गाइस मेरे कपड़े हो गए हैं सेट और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। टाइम 1:30 बज चुका है और बस सारा काम कंप्लीट हो गया, कपड़े सेट हो गए। ये देखिए ये मेरे कपड़े सेट हो गए और ये कपड़े वेस्टेज, इनका कलर वगैरह फेड हो गया है, पुराने हो गए हैं या कुछ है। ये कपड़े मैंने निकाल दिए, ये किसी को दे देंगे और बाकी जो पहनने के थे वो कपड़े मैंने सारे सेट कर लिए। बस अब ये उठा के रखती हूँ और बस अब करूँगी मैं रेस्ट। बस ये अब बहुत साफ साफ लग रहा है, पहले थोड़ा चाहे बेड में हो कपड़े या अलमीरा में हो फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चल जाती है, तो अंदर पिछले साल भी मैंने नहीं सुखाए थे तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सारे सेट कर दिए हैं। तो चलिए गाइस आपको मिलती हूँ बाद में, अभी मैं करूँगी रेस्ट। तो गाइस सारा काम कर लिया, बहुत थक गई और थोड़ी देर में आ जाएगी माही, तो मैं थोड़ी सी देर सो जाती हूँ और अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी आपके साथ बातें करने के लिए वीडियो बना ली। हाँ मैं बढ़ा दूंगी, करी इस तरह। तो ये देखिए मेरी लड़की कितनी सुंदर है, देखो कितना सुंदर फेस है इसका, कुछ तो सुंदर है और कुछ और भी ज्यादा बना लिया। यार बिग बॉस बिंदु, ये हमारी बिंदु जो हमारे साथ जयपुर गई थी, इसको तो आप जानते ही है। अच्छा ये सबसे अच्छी लड़की पलक जो सारे वीडियो मेरे बनाती है। तो आप मुझसे मिलिए, मैं हूँ बिंदिया और ये है चिंदिया। तो गाइस दोपहर को मैं बहुत थक गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी, उसके बाद उठ के मैंने चाय पी, शाम को सब्जी बनाई और अब मैं खाना खा के सारा काम करके फ्री होके अब हम बैठे हैं। हमारे घर आई हुई है बिंदु और उधर बैठे हैं बिंदु के पापा कमरे में और ये यहाँ पे ये कर रही है बकवास, बात नहीं करने दे रही। दोस्तों मैं दूसरे रूम में गई थी चाय पूछने के लिए, उन्होंने मना कर दिया तो मैं आके दोबारा बैठ गई हूँ। ये लड़कियां देख रही हैं, अब चलाएंगी टीवी ब्लॉग देखेंगे, मेरा तो ब्लॉग कोई देखता ही नहीं। चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ फिर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय कर दो सभी, बाय कर दो।